नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। आप यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ दिन पहले मंदिर से मूर्तियों को निकाला गया था, और वो इसलिए निकाला गया था, हमारे संत श्रीमणि रविदास जी का मंदिर आश्रम दोबारा नहीं बनाया तो इनके जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है सब करोड़ पे लाके फेंकेंगे। इनके मंदिरों को अब हम तोड़ेंगे। 33 करोड़, 36 करोड़, अरे इतनी जनसंख्या ना, जितनी दिल्ली में मंदिर बनवाती है। चुनाव में हम लोग हिंदू होते हैं, बाद में चूड़े चुमार। 63 और 64 साल पुराना है वो, 600 साल पुराना है, इनका बाप भी पैदा नहीं हुआ था। अगर ये गुरु रविदास के स्थान को नहीं बचाने, हमारे साथ खड़ा हो सकते बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से 30 करोड़ लोग अपने मंदिरों से उन्हें बाहर निकालने का काम करेंगे। तो बहुत लोग तो सभ्य भाषा में कहते हैं, मैं सभ्य भाषा में कहता हूँ, इनके गणेश पणेश राम रूम कृष्ण वर्षन सबको जमुना में फेंक के आएंगे, और किसी की औकात नहीं है उसको बचा लें। इस देश से ब्राह्मणवाद का और मनुवाद का सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए, हमने एक ऐलान किया था, हमारा गुरु घर रविदास जी महाराज का जो गुरु घर है 600 साल पुराना गुरु घर, केंद्र की सरकार ने तोड़ दिया, गुरु घर नहीं बनाती है और वो जमीन मंदिर को वापस नहीं देती है। तो हम जो इनके भगवानों को ढोते आ रहे हैं हजारों सालों से, उनको सह सम्मान उनको वापस कर रहे हैं कि भाई अपने भगवान आप ले जाओ, हमारे भगवान काशी राम। के देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, मुझे बहुत जगह से कॉल आ रही है, और अभी आप बहुत सारी वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पर, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, सारी जगह से लोग जो है ना इस मानसिक गुलामी का त्याग कर रहे हैं। कि रविदासी समाज का जो मंदिर है वो अभी तक नहीं बन पाया है, ना सरकार ने उसमें कुछ बोला है कि कब मंदिर बनाएंगे, और उसके उसमें 96 बच्चे जेल में चले गए हैं। उन बच्चों को वापस ना भेजने के लिए सरकार ने मना कर दिया है, उन पे FIR करवाई गई है। तो उससे रुष्ट लोगों ने यहाँ के मंदिर से मूर्तियों को निकाल कर बुद्ध की स्थापना करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक बोध है। दीपक जी, भगवानों की मूर्तियाँ निकाल के आज बुद्ध आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और ये तो हमें शायद पहले करना चाहिए था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमेशा शांति का रास्ता दिया है, और हम जो पाखंडवाद में फंसे हुए थे। मैं सर इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मंदिरों पे हमें वाल्मीकि समाज को और जाट समाज को ना तो इतने मंदिरों में अहमियत मिलती है, और हमने अब इनसे मतलब मंदिर देवी देवताओं से दूर जाना चाह रहे हैं। और पाखंडवाद में कहीं मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, कहीं तोड़फोड़ होती है, कहीं क्या होता है, और भगवान बुद्ध का एक शांति का रास्ता था, जो कि आज हमने वो रास्ता लगभग अपना लिया है, और फतेहपुर बेरी में आज भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की जो है स्थापना हुई है। जी हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर जो तोड़ा गया संत रविदास का, तो हमें जो बड़ा दुख हुआ उसका, और हमने बहुत दिन से हम इनके अंधविश्वास में चलते आ रहे हैं, इनको पूछता है लेकिन फिर भी हमारी कोई मानता नहीं है, तो हमने तो सबको छोड़ के हमने अपने बुद्ध धर्म को अपनाया है, और हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, और बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखा, उसी ही दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, और हमें शांति के प्रति
दीपक जी, हिंदू धर्म छोड़ के आपने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत पाखंडवाद है, बहुत ज़्यादा पाखंडवाद है। पहली बात तो आदमी की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और कभी क्या त्यौहार, कभी क्या त्यौहार, कभी क्या पाखंड, कभी क्या पाखंड है। इसको जो तोड़ने के लिए जो मैं सबसे अच्छा रास्ता लगा वो हमें भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का लगा। क्योंकि सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध पाखंडवाद से बहुत दूर थे, और हमें गौतम बुद्ध की विचारधाराएँ बहुत अच्छी लगी, इस वजह से हमने जो भगवान बुद्ध को अपनाया। क्योंकि हम इनसे कोई वो नहीं रहे, हम बौद्ध धर्म अपनाने चाह रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज और जाटो समाज अब एकत्र हो गए हैं, और हमारे जो रविदास जी का मंदिर तोड़ा है, ये जो हमारे साथ इन्होंने हमारे साथ में गद्दारी करी है। क्योंकि हमारा देश है, हम भारत है, हमारा हमारे सभी देश के लोग हैं, हमको यहाँ पराए नहीं है। हमारे 600 साल पुराना जो रविदास जी का मंदिर तोड़ा है, हम उसके उस समय हमने सारा बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं साहब आपका, मेरा विजय नेताजी। आप कौन सी जाति से हैं? मैं वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज से? आप वाल्मीकि समाज हैं, आज वाल्मीकि समाज छोड़ के आपने बुद्ध धर्म अपनाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छी बात है जी। और हमारा अधिकार है ये तो जी, और आज अपने अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग जी। हमें अच्छा लगा, महसूस हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब हमारे लोग अब बौद्ध की ही पूजा करेंगे और बौद्ध के धर्म पे शरण पे चलेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में है, आज सभी लोगों ने बुद्ध धर्म अपना लिया है। हाँ, ये सभी लोग बुद्ध धर्म अपना लिया है, और ये बहुत ही बड़ा देश में बदलाव आने वाला है। ये इसका नतीजा अगले चुनाव में होने वाला है। ये हम गवर्नमेंट को भी सबक सिखाने वाले हैं, खासकर मोदी जी को, कि जो हमारे साथ में 600 साल पुराना जो मंदिर तोड़वाया है हाई कोर्ट में, ये रास्ते में जो मस्जिदें लगी हुई है, ये गुरुद्वारे बने हुए, उनको क्यों नहीं छेड़ रहे, उनको क्यों नहीं छेड़ना चाह रहे? एक मंदिर बनी है, एक हमारे जो एक साइड में मंदिर था, हम गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। हम वाल्मीकि समाज और जाटो समाज को जो इस तरह से देखा जा रहा है दूसरे नजरिए से, हम उसके विरुद्ध में हम सारे लोगों ने आज बौद्ध धर्म अपना लिया है। सब एक है, हम सब एक है। ये बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पे रविदासी समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर आया हुआ है, और यहाँ पे जाटव समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, यहाँ पे वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, क्या कहना चाह रहे हैं कि आप? जी, बहुत बढ़िया लगा हमारे को, सब एक, दो भाई हमारे एक हो गए हम जी। हमारे से कुछ माताएं बहने हैं, हम हमसे पूछना चाहेंगे, आज आपके मंदिर जो यहाँ से हटा दिए गए हैं मूर्तियों को, बुद्ध आ गए हैं, तो उसका कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे तो बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे इस बात जी, के लिए जी, कि गौतम बुद्ध की यहाँ मूर्ति हो, बाबा साहब की हो जी। हम मन या चामी नीलं नीलं वेदे वेदे भंते
सारे साथी हैं, हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, कैसा लग रहा है आज आपको आपकी धरती पे बुद्ध आए? आनंदित हो गए हम। आज आनंदित हो गए? हाँ जी, आत्मा आनंदित हो गई हमारी। आत्मा आनंदित हो गई। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। आज का दिन बहुत बढ़िया चुना जी, जो पाखंडवाद को छोड़कर हम बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। और हमारा ही मूल धर्म ये है कि हम बौद्ध धर्म को ही अपनाए, बौद्ध धर्म में ही रहे जी, और इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है हिंदुस्तान जी। बुद्ध धर्म क्यों बेहतर धर्म है? और जो भी कुछ है सब सच्चाई है जी। इसमें कोई भगवान की कोई पूजा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जी बाबा भगवान ने दिखा सिखाया कि जो कुछ है जी, पूजा पाठ में कुछ नहीं है, राम में ना सीता में ना हनुमान में, जो कुछ है भगवान को बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।